नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस एमसीक्यू पार्ट 4। आज मैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए फिफ्थ सेमेस्टर में, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 4 को समझाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं क्या क्वेश्चन हैं पार्ट 4 से संबंधित। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट वन कैन यूज। सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम इसमें से किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रेन गेज, डायफाग्राम, थर्मोकपल, आरटीडी। तो जो हमारा सरफेस टेम्परेचर है उसको हम थर्मोकपल से मेजर करते हैं। मींस ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, थर्मोकपल। थर्मोकपल्स आर जनरली यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू। जो थर्मोकपल होता है उससे हम अधिकतम कितने तापमान को माप सकते हैं, क्या रेंज होती है? 350 डिग्री, 550 डिग्री, 1400 डिग्री या 3500 डिग्री। तो जो थर्मोकपल्स है, थर्मोकपल्स सामान्य तौर पर हम उपयोग करते हैं 1400 डिग्री तक तापमान को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसको वॉच कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एलवीडीटी कैन बी यूज्ड फॉर। एलवीडीटी जो है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? फोर्स मेजरमेंट इन बीम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, एलवीडीटी इज यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड फॉर फोर्स मेजरमेंट इन बीम। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, द ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल। मींस जो ट्रांसड्यूसर होता है वह इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करता है इनटू द आउटपुट सिग्नल। तो विच इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि ये कंटिन्यूस टाइम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम, इज नोन एज डैश डैश ट्रांसड्यूसर। वो किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर कहलाता है? एनालॉग ट्रांसड्यूसर। मींस ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। ए ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट मेजर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स इज कॉल्ड द डैश डैश ट्रांसड्यूसर। मींस मेजरड इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स, पल्स के फॉर्म में जो मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर वर्क व्हेन वी अप्लाई टू इट। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो किस पे काम करता है? जब हम अप्लाई करते हैं मैकेनिकल फोर्सेस, व्हेन वी अप्लाई टू इट मैकेनिकल, जब इस पे हम मैकेनिकल फोर्सेस को या मैकेनिकल बल को लगाते हैं तब ये हमारा काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेडिएशन पायरोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ। जो रेडिएशन पायरोमीटर्स है इसका उपयोग हम किस रेंज के तापमान को मापने में करते हैं? 500 से 1000 डिग्री, 1000 टू 2000 या 1200 टू 3500 या वो 4000। तो रेडिएशन पायरोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 1200 से 3500 डिग्री तापमान तक को मापने के लिए हम रेडिएशन पायरोमीटर से जिसका उपयोग करते हैं। मैकलॉड गेज इज यूज टू मेजर। ये जो मैकलॉड गेज है इसका उपयोग हम किसको मेजर करने के लिए करते हैं, किसको मापते हैं? वैक्यूम। मींस ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, वैक्यूम। वैक्यूम इज मेजर्ड बाय मैकलॉड गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ -20 डिग्री टू 600 डिग्री। -20 डिग्री से 600 डिग्री तक तापमान को मापने के लिए द लिक्विड यूज्ड इन ग्लास थर्मामीटर इज। जो ग्लास थर्मामीटर होता है उसमें कौन सा लिक्विड यूज होता है? मरकरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मरकरी। मींस जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या रहती है? मरकरी, पारा। तो ये -20 से 600 डिग्री तक टेम्परेचर रेंज में हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। प्रोबिंग रिंग्स आर यूज टू मेजर। प्रोबिंग रिंग्स आर यूज टू मेजर, किसको मेजर करती है प्रोबिंग रिंग्स? फोर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोर्स इज मेजर्ड बाय प्रोबिंग रिंग्स डिवाइसेस। ओके,
ए साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार किसको मापता है? एक्सटर्नल टेपर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, एक्सटर्नल टेपर्स इज मेजर्ड बाय साइन बार। द स्लिप गेज इज ए, स्लिप गेज है जो, इससे हम क्या मेजर करते हैं? डैश डैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या दोनों ही है, या कोई भी नहीं है? तो जो स्लिप गेज है, स्लिप गेज किस कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है? लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्लिप गेज इज ए लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, स्लिप गेज आल्सो नोन है, स्लिप गेज को और हम किस नाम से जानते हैं? मॉनसन गेज, जॉनसन गेज, गांट गेज, या नॉन ऑफ दीज? तो स्लिप गेज आल्सो नोन एज जॉनसन गेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, जॉनसन गेज या गेज ब्लैक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। द डायल गेज यूज टू मेजर, डायल गेज किसको मेजर करता है? डायल गेज है जो राउंडनेस चेक करता है, पैरेललिज्म चेक करता है, अलाइनमेंट चेक करता है, ये हम किससे करते हैं? डायल गेज से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, राउंडनेस एंड पैरेललिज्म चेक्ड बाय डायल गेज। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लो ऑफ वाटर इन ए वेरी लार्ज सिटी, वाटर सप्लाई लाइन कैन बी मेजर्ड बाय। जब बहुत बड़ी सिटी में वाटर जो सप्लाई होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं? लार्ज सिटी में मेजर्ड बाय पिटोट ट्यूब, मींस ऑप्शन बी इज राइट, पिटोट ट्यूब यूज फॉर मेजर वाटर सप्लाई। ए साइन वार इज स्पेसिफाइड बाय, साइन वार एक एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसिफाई होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रोलर, दो रोलर के बीच से सेंटर की डिस्टेंस के द्वारा साइन बार को स्पेसिफाई करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिस्टेमेटिक एरर आर, सिस्टेमेटिक एरर्स क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑल ऑफ दीज। तो सिस्टेमेटिक एरर आर, ये सभी प्रकार की एरर्स इन्वॉल्व होती हैं सिस्टेमेटिक एरर में, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, डैश डैश इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं चार, इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ऑप्टिकल प्रोजेक्टर है, जो ऑप्टिकल प्रोजेक्टर इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। डैश डैश इज नॉट एन एंगल मेजरिंग डिवाइस, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक है जो एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है, वो कौन सा है? एंगल आयरन, एंगल आयरन ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। साइन बार से हम एंगल को मापते हैं, कॉम्बिनेशन सेट से भी मापते हैं, एंगल गेज ब्लॉक से भी मापते हैं, किससे नहीं मापते? एंगल आयरन से। तो दिस इज एंगल आयरन इज नॉट एन एंगल मेजरिंग डिवाइस। टॉमिलसन रिकॉर्डर इज यूज टू मेजर सरफेस, परपेंडिकुलरिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, परपेंडिकुलरिटी इज मेजर्ड बाय टॉमिलसन रिकॉर्डर। टॉमिलसन रिकॉर्डर से हम क्या मेजर करते हैं? परपेंडिकुलरिटी। ओके, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।